हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज़ मेड इजी बाय साधना और साधना जोमन्स रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र का फेमस स्ट्रीट फूड मिसल पाव। ये बहुत ही टेस्टी होता है, तो चलिए शुरू करते हैं मिसल पाव बनाना। महाराष्ट्र में इस तरह से मिसल सर्व करते हैं। आलू की चटनी, पोहा, मटकी, अब डालेंगे सेव, और ऊपर से कट ऊपर से डालेंगे तरी, अब डालेंगे प्याज, ऊपर से दही डालेंगे। परफेक्ट मिसल पाव बनाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिसल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अंकुरित मटकी 250 ग्राम ली है, उसे अच्छे से क्लीन करके छान के रखा है। अब हम मटकी को 5 मिनट तक कुक करेंगे, तो उसके लिए पानी लिया है, पानी को उबालाने लगा है। अब उसमें डालेंगे हींग, स्वाद के अनुसार नमक और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब उसमें डालेंगे मटकी, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और 5 मिनट ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके, हमें मटकी को ज़्यादा नहीं उबालना है और कुक नहीं करना है, इस टाइप की हमें पकानी है। मटकी को छान लेते हैं। अगर आप कुकर में कुक कर रहे हैं तो एक सीटी होने तक ही कुक कीजिए। इस पानी को हमें ग्रेवी में यूज करना है। इस पानी को हम ग्रेवी में यूज करेंगे, इससे मिसल की बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। अब हम मटकी की सूखी सब्जी बनाएंगे। पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे, तेल गर्म हो चुका है। अब उसमें डालेंगे 4-5 कड़ी पत्ता, हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, सभी को डाल देते हैं। मसालों को हमें लो फ्लेम पे ही डालना है। अब उसमें डालेंगे मटकी और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और 2 मिनट तक मटकी को पकने दिया। अब उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अब हम मटकी को बाउल में निकाल लेते हैं।
मिसल की ग्रेवी बनाने के लिए पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब उसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, 10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक। एक मिनट तक भून लेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया, अब उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के स्लाइस में कटे हुए प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक उसको भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक उसे भून लिया, अब उसमें डालेंगे 5 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। आप इसके जगह स्लाइस में कटा हुआ सूखा नारियल भी डाल सकते हैं या फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं। 2 मिनट तक भून लेंगे। अब उसमें डालेंगे 1 छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लिया, अब उसमें डालेंगे हरा धनिया, हरे धनिए के पत्ते। मिक्स कर लेते हैं। ठंडा होने के लिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे। मिश्रण ठंडा हो चुका है, अब उसको ग्राइंडिंग जार में निकाल के ग्राइंड करेंगे। थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करेंगे। मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाउल में ट्रांसफर करेंगे। मिसल बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल हमें थोड़ा ज्यादा ही लेना है। तेल गरम हो चुका है, अब उसमें डालेंगे 5 काली मिर्च, 2 हरी इलायची उनको तोड़ के लिया है, 2 लौंग, 1 दालचीनी, 2 तेज पत्ता और 5 कड़ी पत्ता। गैस की फ्लेम लो कर देते ताकि मसाले जले ना। हींग 1/2 छोटे चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, काला मसाला ऑप्शनल है 1 चम्मच, गरम मसाला। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते। अब उसमें डालेंगे ग्राइंड की हुई पेस्ट। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसालों को तेल छूटने तक भून लेते हैं। सभी मसालों को तेल छूटने तक भून लिया, अब उसमें डालेंगे रोस्टेड बेसन। इससे मिसल की बहुत अच्छी टेस्ट आती है और कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट होती है। 1 बड़ा चम्मच रोस्टेड बेसन डाला है यहाँ पे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और 2 मिनट तक भून लिया। अब उसमें डालेंगे हमने जो मटकी उबाली थी वो पानी डालेंगे। मटकी छानने के बाद जो पानी था वो डालेंगे। इससे मिसल की टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगी, आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। पानी मैंने गर्म करके लिया है। इससे बहुत अच्छा कट आएगा मिसल के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा तरी या कट आया है। अब उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। हमने मटकी उबालते वक्त भी नमक डाला था, इसलिए थोड़ा कम ही नमक डालेंगे।
अब हम इस कट को 10 मिनट तक उबाल लेंगे धीमी आंच पे बिना ढके। हमारा गर्मा गर्म कट या रस्सा तैयार है। आप देख सकते हैं उसका कलर कंसिस्टेंसी। कट को एक छोटी बकेट में निकाल लेते हैं। आलू की चटनी, पोहा, मिसल वाली सेव, मटकी, दही, बारीक कटा हुआ प्याज और पाव।